मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू आर्य कैरियर अकेडमी। आज हम लोग करेंगे कट ऑफ एनालिसिस रेलवे का। 2014 और 2018 के बीच में क्या कट ऑफ हो सकता है, 2014 में कितना वैकेंसी था, क्या कट ऑफ गया था और 2018 में कितना वैकेंसी है और क्या कट ऑफ जा सकता है, वो सारा कुछ हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। और अगर अभी तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन दबाना नहीं भूलिए, ताकि कोई भी नया नोटिफिकेशन या अपडेट हो तो आपको वीडियो मिलता रहे। चलिए देखते हैं। देखिए, तो हम लोग एएलपी का कर रहे हैं, तो देखिए जब 2014 का एग्ज़ाम हुआ था तो उसमें जनरल का जब परसेंटेज का बात आया था, परसेंटेज में 52.7722% गया था, एससी का 42.000% गया था और एसटी का 47.7218% गया था और ओबीसी का 46.0930% गया था। तो देखिए, परसेंटेज में तो उतनी अच्छी तरह से आपको क्लियर नहीं होगा, इसको अब नंबर बेसिस पर लाते हैं कि कितना नंबर पर प्री कट ऑफ का क्लियर हुआ था 2014 में। तो देखिए, 2014 में जब आपका वैकेंसी कितना था, 23-24 हज़ार के करीब में वैकेंसी था टोटल टेक्नीशियन और लोको पायलट मिलाकर, तब आपका कट ऑफ फाइनल मतलब कि जो पहला टेस्ट था प्री टेस्ट का कट ऑफ था कितना, 42.07, ठीक है, और ओबीसी का था 39.07, एसटी का था 33.05 और एससी का था 31.13। ये तो 2014 का प्री का है। और जब फाइनल मेरिट लगा था लोको पायलट का, तो फाइनल मेरिट लगा था जनरल का 63.446 पर और ओबीसी का लगा था 62.11141 पर, एसटी का आप देख सकते हो 53.599 पर और एससी का 54.688 पर। फर्क इतना था कि वहाँ पर वैकेंसी कम था, मगर उस साल भी लगभग 30 लाख लोग फॉर्म भरे थे वहाँ पर एएलपी का, ठीक है। तो इस साल आपको 44 लाख फॉर्म भरा गया है, मगर वैकेंसी क्या है, 60,000 है, ठीक है, मतलब 60,000 वैकेंसी है। और देख लीजिए, टेक्नीशियन का डिफरेंट फील्ड का डिफरेंट वैकेंसी या कट ऑफ आता है आपको, किसी का 50, किसी का 55, किसी का 60, तो वो फीटर, वेल्डर, टर्नर, मैकेनिज्म, आप कुछ भी इलेक्ट्रिशियन हो सकता है, टेलीकॉम, सिग्नल, तो वो डिफरेंट है, डिफरेंट का डिफरेंट आपको कट ऑफ आएगा। अब चलिए कुछ बात कर लेते हैं एएलपी 2014 प्री के बारे में। तो आप जैसे को आपको पता, हम बता चुके हैं कि 42.7, 39.7, 33.05 और 31 कट ऑफ गया है प्री का, ठीक है, प्री का कट ऑफ इतना था। अब देखिए, जैसे कि आपको पहले पता है कि 26,500 वैकेंसी था 2018 वाला में, उसको बढ़ाकर कितना किया गया है, 60,000 वैकेंसी किया है, लाइकली टू बी इंक्रीज्ड। इस चीज़ पर आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर गवर्नमेंट का खेल बहुत कुचक्र होता है, ठीक है, लाइकली टू बी इंक्रीज, ये नहीं बोला है कि इट्स इंक्रीज टू 60,000, ये बोला है लाइकली टू बी इंक्रीज। तो यहाँ पर 60,000 के इर्द गिर्द या हो सकता है 55,000 हो जाए, 60,000 हो जाए, 50,000 हो जाए, मगर 50,000 प्लस ही रहेगा, मान के चलिए यदि 60,000 दिया है तो 55,000, 60,000, 62,000 तक जा सकता है, बेसी भी जा सकता है और कम भी जा सकता है। तो मान के चलिए, एक अप्रोक्स मान के चलते हैं कि 55 से लेकर 65 के बीच में वैकेंसी आपका रह सकता है, तो 55,000 से 60,000 या 62,000 इस तरह वैकेंसी रहेगा, एग्जैक्ट तो नहीं बढ़ाता ये लोग, चलिए ठीक है। तो मान लीजिए कि आपका 60,000 तक वैकेंसी गया, चलिए। तो देखिए, अब हम लोग एनालाइज करते हैं। देखिए, 9 तारीख और 10 तारीख के पेपर में टोटल कितने परसेंट लोग एग्ज़ाम नहीं दिए और कितने परसेंट लोग दिए हैं, तो आपको पता होगा कि 23% लोग एब्सेंट थे, ठीक है, 23% लोग एब्सेंट थे। तो इसके मतलब कहने का मतलब है कि कितना परसेंट लोग दिए, 77% लोग, 77% लोग एग्ज़ाम दिए, मतलब 100 लड़का में से 77 लोग दिया और 23 लोग आपको क्या रहा, एब्सेंट रहा। तो यहाँ पर एक चीज़ का आपको ध्यान देना है कि बहुत सारी चीज़ें हैं ना जो इस पर डिपेंड करेगी। आप बताइए कि दो शिफ्ट में आपको 23,000 बच्चा जो है, मतलब कि 23% बच्चा जो है वो एग्ज़ाम नहीं दिया, ठीक है, तो ये आपका हो गया लगभग 1,84,000, मतलब कि टोटल 8 लाख लड़का लोग को एग्ज़ाम देना था, 8 लाख लोग में से 1,84,000 के करीब में आपको एग्ज़ाम छोड़ दिया 9 और 10 तारीख में सिर्फ।
तो आप ये बताओ, देखो उसी तरह 13 और 14 में लोग 81% लोग एग्ज़ाम दिए हैं, यहाँ पर 19% लोग छोड़ दिए हैं। तो आप हर दिन 8 से 9 लाख लोग का एग्ज़ाम हो रहा है हर दो दिन पर, ठीक है। तो आप ये देखो, पहला स्लॉट 9-10 था, 9-10 में 9 लाख, मतलब 10-10 लाख करके इस तरह 9-10 लाख लोग को एग्ज़ाम ले रहे हैं। तो चार दिन में लगभग कितना लोग एग्ज़ाम छोड़ चुके हैं, लगभग 4 लाख लोग एग्ज़ाम छोड़ चुके हैं अभी तक। तो आप मान के चलो, अप्रोक्स मान के चलो कि 30 से 35 लाख लोग एग्ज़ाम अपीयर होंगे, ठीक है, और 10 लाख लोग एग्ज़ाम को छोड़ देंगे। अब इन 35 लाख लोगों में से प्री में 9 लाख लोग को बुलाया जाएगा, 9 लाख लोगों को प्री पास कराया जा रहा है। तो ये बहुत बड़ी चीज़ है, ठीक है। चलिए अब हम लोग आगे देख लेते हैं। तो देखिए, जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ है जनरल का, आप देखिए यहाँ पर जब आप देख सकते हो कि 9 लाख लोग को बुलाया जा रहा है, तो ये बहुत ज़्यादा संख्या है। 9 लाख लोग को प्री क्वालिफाई कराना अपने आप में बहुत बड़ी चीज़ है। तो जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ होगा, जो 3 स्लॉट में इसको बांटा जा रहा है, जो एग्ज़ाम देकर आ रहे हैं वो 3 स्लॉट में जा रहे हैं, 45 से 50, 50 से 60 और 60 से 65 तक अटेम्प्ट हो रहा है। यही परसेंटेज है अटेम्प्ट करने का। जो 80% बच्चा है अभी के समय में, ठीक है, 80% बच्चा जो है वो 45 से 50 क्वेश्चन अटेम्प्ट किया है। कब? 10 तारीख वाले शिफ्ट में, 10 तारीख का पेपर आ गया था हार्ड आपका, ठीक है। इसी तरह आप मान के चलो कि 9 और 10 के बीच जितने, 10 का पेपर जो था वो बाकी चारों शिफ्टों में सबसे हार्ड था। तो इसलिए क्योंकि हम लोग क्वेश्चन रेगुलर बेसिस पर डाल रहे हैं, तो हम लोग को पता चला है कि क्वेश्चन कितना लेवल गया है उसका। तो 45 से 50 52 यही लड़के लोग अटेम्प्ट कर रहे हैं, जो 80% हैं। 15% बच्चा जो है वो अटेम्प्ट कर रहा है आपको 50 से 60 के बीच में, और 60 से 65 के बीच में कितने लोग अटेम्प्ट कर रहे हैं, तो ये कर रहे हैं 5% लोग, ठीक है। अब मान के चलिए कि 60 से 65 आप 70 भी बोल सकते हो, कुछ लोग 70 भी अटेम्प्ट करेंगे, 75 तो जो अटेम्प्ट कर दिए समझ जाइए कि उनका अब तो कहीं मारेंगे, 75 में 75 क्वेश्चन कोई नहीं करता है। तो 60 से 70% के बीच में सिर्फ 5% लोग ही अटेम्प्ट कर पा रहे हैं, और 50 से 60 जो तुक्का नहीं मार रहे हैं, ऐसा नहीं कि आप तुक्का मार के 65, देखिए अब यहाँ पर कहने का मतलब है कि जब आप 45 से 50 क्वेश्चन कर रहे हो तो 5 क्वेश्चन आपका गलत होगा, तो आप एक्यूरेट में 40 हो गया, यहाँ पर एक्यूरेट में आपको आप 45 के करीब में हो गया, और यहाँ पर एक्यूरेट के करीब में 55 से 60 हो गया। मान लीजिए 65 अटेम्प्ट किए होंगे तो 60 आपका, तो आप देखो जब 40 एक्यूरेट हुआ आपका, आपको 40 मतलब कि कहने का मतलब है कि आप 40 क्वेश्चन एक्यूरेट कर रहे हो तब पर भी आपका बहुत ही अच्छा है। क्यों? क्योंकि इतना में आपका सिलेक्शन 100% हो जाएगा, तो आपको तुक्का नहीं मारना है। 40 कहने का मतलब हो गया कि लगभग 53% आप अटेम्प्ट कर रहे हो। 40 क्वेश्चन अगर सही सही आपका अटेम्प्ट हो रहा है तो 53% आप अटेम्प्ट कर ले रहे हो। तो देखिए पिछले 2014 में आपको कितना था, 52% था या 57% था, इस तरह करके था, मगर उस समय 23,000 वैकेंसी था, इस बार 60,000 वैकेंसी है, इस चीज़ को आप ध्यान रखिए। अब देखिए एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या हो सकता है, 45 से 50 क्वेश्चन जनरल का, आप 45 से 50 जिसको भी अटेम्प्ट किए होंगे, मतलब 45 से 50 नंबर जिसको भी आएगा वो 100% जनरल में सेलेक्टेड होगा। ओबीसी में 40 से 45, एसटी में 34 से 40 और एससी में 30 से 36। जब 2014 का एग्ज़ाम हुआ था वो 42 गया था, तो इस बार आप मान के चलो कि 3 नंबर ज़्यादा रखा गया है, क्योंकि देखिए नंबर ऑफ स्टूडेंट ज़्यादा हैं। पिछले बार अगर 30 लाख लोग फॉर्म भरे होंगे तो 25 लाख या 20 लाख अपेयर होंगे, इस बार 44 लाख लोग फॉर्म भरे हैं, तो अपेयर कितना हुए हैं, अपेयर हो रहे हैं आपको करीब में 30-32 लाख, 35 लाख के करीब में, जैसे अभी का जो सिनेरियो चल रहा है, तो उसके अनुसार 45 से 50 मार्क्स में आपका सिलेक्शन हो जाएगा, और ओबीसी में 40-45 के बीच में, एसटी में 34-40 के बीच में, और एससी में 30-36 के बीच में। तो आप
जितना क्वेश्चन है उतना ही कीजिए, तुक्का मारने के चक्कर में नहीं पड़िए, क्योंकि 9 लाख लोगों को प्री में बुला रहा है तो कोई बड़ा इशू नहीं है। थोड़ा सा भी मेहनत की होंगे तो आपका सिलेक्शन हो सकता है। जो बंदा सिर्फ मैथ और रीजनिंग अच्छी तरह से करके आ जाए उसका ही सिलेक्शन हो जाएगा, क्योंकि मैथ रीजनिंग से लगभग 40 क्वेश्चन आ ही रहे हैं, 35 तक तो मिनिमम आ रहे हैं क्वेश्चन, और डिफरेंट जोन में डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चन भी पूछा जा रहा है लग रहा है, क्योंकि डिफरेंट डिफरेंट जोन से जब क्वेश्चन आता है तो उसी क्वेश्चन को घुमा घुमा के पूछा जा रहा है। और देखिए जो रेलवे का पैटर्न चल रहा है आप देख लो कि जो 13 तारीख को पूछता है वही 14 तारीख को पूछता है, बस केवल टॉपिक सेम रहता है उसी से रिलेटेड चेंज कर देता है। तो आप मेरे चैनल पर जब आप जाओगे तो 9 या 10 तारीख का पढ़ोगे सिर्फ, तो उसमें देखोगे कि जितना भी टॉपिक बताए हैं वो सारे का क्या किए हैं, उससे रिलेटेड जितना भी फैक्ट है वो सारा का सारा बताया हुआ है। तो आप पीछे जाइए और वीडियो ज़रूर देखिए, क्योंकि देखिए वहाँ पर क्या होगा, जैसे मान लीजिए कि आपको कोई पुरस्कार पूछा गया, अब नोबेल प्राइज़ पूछा गया, तो नोबेल प्राइज़ 2017 में जितने लोग को मिला था वो सारा हम बता दिए हैं क्वेश्चन के साथ ही। और 9 और 10 तारीख का तो 100% देखिए, और 14 तारीख का पूरा क्वेश्चन का एक स्लॉट प्रोवाइड कराए गए हैं, जैसे 95 क्वेश्चन का ऑल शिफ्ट का क्वेश्चन है, उसी तरह फिर 14 तारीख का भी पूरे शिफ्ट का क्वेश्चन है, उससे रिलेटेड क्वेश्चन जैसे कि पूछा गया था कि बेस्ट एक्ट्रेस को ऑस्कर जो मिला है वो बेस्ट एक्ट्रेस एक्टर कौन है, 14 तारीख को पूछा गया। तो अब पूछा जा सकता है कि बेस्ट मूवी कौन सा ऑस्कर का, तो वो भी वहाँ पर डाले हुए हैं, जैसे कि बेस्ट मूवी था शेप ऑफ वाटर। उसी तरह ये पूछा गया था कि दंगल में किसके ऊपर बना था, तो महावीर सिंह फोगाटे पर बना था। तो अब ये पूछा जा सकता है कि अखाड़ा जो बुक लिखा गया है वो किसके ऊपर लिखा गया है, तो सौरभ दुग्गल लिखे हैं, वो महावीर सिंह फोगाटे पर लिखे हैं। तो क्वेश्चन को लिंक करके हम पढ़ाए हुए हैं, आप जाइए वहाँ पर, आपको अगर उससे रिलेटेड जितना भी फैक्ट हो सकता है वो सब प्रोवाइड किया। 110% जितने भी शिफ्ट में क्वेश्चन आ रहा है उसमें 7 से 8 क्वेश्चन तो 100 रिपीटेड ही आ रहे हैं, जैसे ग्लैंड को हम पिछले बताए हैं 9-10 तारीख को, तो वही क्वेश्चन आया है, प्रेशर ये सारा टेबल बताए हुए उसी से आ रहा है, तो आप पीछे का जब ही जाकर उसको देख सकते हैं। चलिए थैंक यू फॉर वॉचिंग, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।